जाना ही है ना, तो गुब्बारे फुलाओ, मुंह नहीं। चलो अब सब जाओ और अपना ध्यान रखना। बाय दीदी। बाय दीदी। ऑफिस जा रहा था। मुझे पता है आप स्वामी जी के केस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, है ना? अरे मैं देखिए ना, मैं भी रास्ते में कैसी बातें कर रहा हूँ। आप बैठिए ना, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। बैठिए। हम चले जाएंगे। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? मैं हूँ ना, मैं ड्रॉप करता हूँ आपको। बैठिए, आप मेरे साथ चलिए। कहाँ? करवा कर सर के पास, मैं वहीं जा रहा हूँ। चलिए। उस समंदर से बड़े ईगो वाले के पास हम नहीं जाने वाले। हमारा चेहरा देख के वो 25 के 50 लाख ना करते। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको एक बात बताऊं मिश्री जी, हमारे सर बाहर से कड़क दिखते हैं लेकिन अंदर से ना एकदम सॉफ्ट है, बिल्कुल मूंग के जैसे। आप हमारे साथ चलिए, मैं बात करूंगा सर से। ऐसे कैसे 25 का 50 कर देंगे? मेरी बात नहीं टालते वो। आप बेटी चलिए चलिए। बाकी सब रास्ते बंद हो चुके हैं, इसी के साथ चल के देख लेते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये लेकर आए हमें। प्रतीक? यस सर। व्हाट हैपेंड? अरे विशेष जी, आप कब आई? अरे वेरी नाइस, आप जब आई गई हैं तो बैठिए, ये समोसे खाइए आप लोग दोनों और बातें करिए, मैं चलता हूँ। एक सेकंड। जी? बात तो आप करने वाले थे ना इनसे। मैंने ऐसा कब कहा? मैंने नहीं कहा। अरे हमारे सर हाई कोर्ट के लॉयर हैं, इनके सामने तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। हम किस खेत के मूली हैं? आप लोग बात करिए, मैं चलता हूँ। और बैठो। तो तुम यहाँ अपने बाबा के केस के बारे में बात करने आई हो? हम खुद नहीं आए, आपके असिस्टेंट लेकर आए हमें। वो आपके जैसे नहीं है, हमारी हेल्प करना चाहते हैं। मैं तो खुद किसी को ढूंढ रहा हूँ जो मेरी हेल्प करते। तुम अपने बाबा को बचाना चाहती हो? कैसे भी, कुछ भी करके। लेकिन क्यों? वो तुम्हारे असली बाबा तो है नहीं। आज पहली बार कहा है, इसलिए मिस्ट्री माइंड नहीं करेगी, लेकिन दोबारा ऐसे कभी मत कहना। हमारे असली मम्मी पापा तो हमारे लिए भगवान जैसे, कभी उनसे मिले नहीं, कभी उन्हें देखा नहीं, कभी उन्हें छुआ नहीं, मगर मन में विश्वास है कि वो है। मगर मन के विश्वास से ना ही जनवरी की ठंड रुकती है और ना जून की गर्मी, और बाबा से रियल हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। सगी बेटी तो हम भी नहीं है उनके, मगर उन्होंने हमें जिंदगी दी, हमें पाला पोसा, हमें प्यार दिया। उन्होंने पापा होने का फर्ज निभाया और अब हम बेटी होने का फर्ज निभाएंगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सच? लेकिन तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। हम सब कुछ करने के लिए रेडी हैं। क्या करना होगा बताइए ना, क्या करना होगा? तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। हेलो, आपका दिमाग साथ है? नोएडा के जहाज के साथ उड़ा दिया, अब तो बड़े चीप आदमी निकले। देखो तुम गलत समझ रहे। अच्छा,
बात आप गलत कर रहे हैं, इरादे आपके गलत हैं और आप कह रहे कि हम गलत समझ रहे हैं। प्लीज मुझे अपनी बात खत्म करने दो। देखो हम शादी करेंगे लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करनी है मेरी बीवी बनने के लिए एक साल तक बस। शादी दो परिवारों का, दो दिलों का मिलन होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है। पर आपके पास तो दिल है ही नहीं, आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड में सोने की ईंटें लगा रखी है। जस्ट लिसन, मैं तुम्हारे बाबा का केस लड़ूंगा और वो भी फ्री में। तुम्हें एक पैसा नहीं देना होगा। इस शादी के कॉन्ट्रैक्ट से तुम्हें अपना आश्रम और अपने बाबा भी मिल जाएंगे और मुझे अपनी फ्रीडम। इसमें हम दोनों का फायदा है। इस एक साल में हम सिर्फ एक्टिंग करेंगे। मैं तुम्हारे पास तक नहीं आऊंगा और ये सारी डिटेल्स कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होगी। शादी और डिवोर्स दोनों के पेपर्स रेडी है, तुम्हें बस शादी और डिवोर्स के पेपर्स पे साइन करना है। थिंक अबाउट इट, एक साल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, दैट्स इट। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर चीज की कीमत लगाएगा। क्या हो गया, इतना क्यों बिगड़ रही है? मन करता है कि उसके सर पर सेब रखे और इसी से निशाना लगाए और जानबूझ के मिस कर दे। हाय मम्मी, जब आप अक्कल बांट रही थी तब वो ना पक्का बैंक में बैठा नोट गिन रहा होगा। आखिर वो ऐसा घटिया सवाल हमसे कर भी कैसे सकता है? ओके, शांत हो जाओ। देखो हम शादी करेंगे लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। इस शादी के कॉन्ट्रैक्ट से तुम्हें अपना आश्रम और अपने बाबा भी मिल जाएंगे और मुझे अपनी फ्रीडम। इसमें हम दोनों का फायदा है। ऐसा कौन सा घटिया सवाल पूछ दिया, उस लड़की को कितना गुस्सा हो गई। हाँ हाँ, देखिए ना कैसा लग रहा है, अच्छा है ना? भगवान, मैं कैसे इन लोगों को रोकूं?